सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं यार आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड गाइस, सबसे पहले तो आप मेरी लुक देख सकते हो, जैसे कि भाई मैंने कटिंग वगैरह बहुत अच्छे से करवा लिया अपने ब्लॉग के लिए। एंड ये आप सेकंड चीज़ देख सकते हो, सोफे वगैरह सब बहुत अच्छे से पड़े हैं, क्योंकि गाइस आपको पता ही है भाई ये मेरा इंडोर ब्लॉग है। मैं आउटडोर इसलिए नहीं शूट कर रहा क्योंकि भाई मेरे पे कोई भी टॉपिक नहीं है। एंड बिना टॉपिक के शूट करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता यार, मज़ा ही नहीं आता कि भाई कुछ हम करने वाले हैं। अच्छे नहीं लगता ना कि भाई अपने पास कोई टॉपिक नहीं, ऐसे कैमरा उठाया, ट्राइपॉड उठाया और चल दिए ब्लॉग शूट करने। सो गाइस, एक बात मैं आपको और बताने वाला हूँ। गाइस, मैं आज ही का ब्लॉग ये स्पेशली इस वजह से शूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं कुछ चीज़ें तो मैं नहीं ले गया हूँ, एंड कुछ चीज़ों की मैंने रिपेयरिंग करवाई है। सो मैं आप सभी को डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सो आप सब बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। एंड गाइस, आई होप, मैं मतलब अपने दिल से उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सब को ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। एंड आप सभी से मिलते हैं ब्लॉग के एंड में। गाइस, इसको फेंकते हैं पन्ने को साइड में। एंड सबसे पहले आप देख सकते हो, इसको भी यहाँ पर बेल्ट को रखते हैं पहले साइड में। ये जो आप देख रहे हो भाई, ये मेरा ट्रैक सूट का एक लोअर था जो कि गाइस ये मतलब बहुत बड़ा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीको टाइप जो ये है ना, पिंक पिंक आप देख सकते हो, ये करवाई है ताकि ये ज़्यादा मुझको मतलब लूज़ ना लगे, क्योंकि गाइस मैं जब ज़्यादा जल्दी में था जब मैंने इसको लिया था। एंड ये मेरा ऐसे घर पे नाइट में पहनने वाला एक लोअर था, उसको भी गाइस आप देख सकते हो, इस पर मैंने ऐसे वाइट कलर की ये करवाई हुई है। ये भी गाइस मेरे बहुत ज़्यादा लूज था। सो गाइस, एंड गाइस ये तो एक स्कूल की पैंट है भाई, ऐसे ही इसका इसे छोड़ो। सो गाइस, ये दोनों चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी, बट गाइस जो मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ वो मैंने न्यू ली हुई है, एंड बहुत यार मतलब कि ओसम चीज़ है। सो आप ब्लॉग के एंड तक रहना, मैं आपको सब दिखाऊंगा इन डिटेल में। सो भाइयों, आप ये देख सकते हो, एक मिनट मैं आपको फ्लैश ऑफ करके दिखाता हूँ। देख सकते हो आप, ये मैं एक रिवीरा की RH ये क्या है चैम्प एयरफोन की लीड लेके आया हुआ हूँ। एंड इसी ब्लॉग में चलो मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करता हूँ। एक मिनट गाइस, यार दिक्कत तो ये है ना कि भाई कोई ना एक अनबॉक्सिंग करने वाला है, कोई फोन पकड़ने वाला है, इस वजह से दिक्कत मुझे अकेले होती है। एंड आप ये देख सकते हो, एंड मैं आपको इसमें एक चीज और दिखाता हूँ भाई, ये मतलब ये मैं क्यों लेके आया था, इसका रीज़न ये आप देख सकते हो। पहली बात तो गाइस इसमें क्लिप भी है, और दूसरी बात ये जो आप देख सकते हो ना इसका स्क्वायर शेप में भाई, ये जो मतलब बटन है इसका ये बहुत स्मूथ चलता है। दूसरी बात, इसकी कंपनी भी काफ़ी हद तक मुझको सही लगती है क्योंकि मैंने इसकी 2-3 लीड और भी यूज़ करी है। एंड मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए एंड बहुत सारी लीड रखी हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसी डोर में सब फोन का ही सामान आप देख सकते हो। आप देख सकते हो भाई, ये फाइनली निकल चुकी है। एंड इसको रखते हैं टेबल पे, एंड ये कपड़े साइड। एंड मैं आपको अब डिटेल में दिखाऊंगा भाई इसमें ना क्या क्या सामान रखा हुआ है। गाइस जो भी है मैं आपको पहले बताऊंगा, इसमें फ़ोन से रिलेटेड ही है, ये मेरा मतलब वही टेक्निकल बॉक्स आप बोल सकते हो ड्रोर का, क्योंकि भाई इसमें जितना भी अब तक का सामान है, जो भी टाइम पर मेरा उतरा हुआ है, नया है, जो मेरे से टूट गया, जो मेरा फ़ोन मैंने नया लिया पुराना लिया, मतलब कुछ भी जो भी इसमें है गाइस फ़ोन से रिलेटेड है, उससे आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। So nice.
सकते हैं जो मेरा बैनर रखा है, जिसको हम बिछा के कहीं भी मतलब हम होल्ड कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हो बैठ सकते हैं। इसमें मेरा ट्रैक सूट का सब ये किट वगैरह रखी है।